हेलो स्टूडेंट, तो कैसे हो आप सब? आई होप यू आर डूइंग बेस्ट। स्पेशली आज मैंने उन स्टूडेंट के बारे में बात करना है जो इस बार एडमिशन लेने वाले हैं। उससे पहले आप सोच रहे होगे, भाई मैंने इनका नाम क्यों लिख रखा है बोर्ड पे। इनमें मेरा फेवरेट अमन दत्तवाल एंड अरविंद अरोड़ा। आपका फेवरेट कौन है कमेंट बॉक्स में बता देना आप, कि आपका फेवरेट कौन है। तो पिछले साल तो ये NIT, जितने NIT जैसे कि अरुणाचल, अगरतला, जलंधर, हमीरपुर, मणिपुर, सिक्किम, सिलचर, गोवा, इस NIT में ना पिछले साल बहुत ज़्यादा हाई रैंक पे एडमिशन हुआ है। जैसे इसमें NIT में अरुणाचल में इसमें 3 लाख तक सिविल ब्रांच मिल रहा है। फिर हम ले लें NIT सिक्किम, इसमें 7 लाख तक सिविल ब्रांच मिल रहा हुआ है, 3 लाख, 2 लाख। तो ये जितने NIT है ना भाई, जिन आपका रैंक अगर ज़्यादा है तो आप इन NIT के बारे में आप सोच सकते हो। तो आज का वीडियो का मेन मोटिव क्या है आप थोड़ी देर में समझ जाओगे, ठीक है। तो बहुत सारे स्टूडेंट जो इस बार एडमिशन लेने वाले हैं, वो उनके दिमाग में एक क्वेश्चन चलता रहता है कि भाई NIT ना मिल रहा, IIT ना मिल रहा, या फिर IIIT ना मिल रहा, तो प्लेसमेंट होगा ना होगा। ये सब कन्फ्यूजन उनके दिमाग में बहुत ज़्यादा चलता है। तो मैं उनसे एक बात कह दूँ भाई, बीटेक करने के बाद ना कोई भी आदमी खाली ना बैठे, ये बात दिमाग में नोट कर लो। बीटेक करने के बाद हमेशा फ़ायदा ही हुआ है भाई, नुकसान ना हुआ है। तो आपने अगर डिसाइड कर लिया कि मैंने इस बार एडमिशन लेना है, आपका रैंक 1 लाख एवर है, तो आपको जो भी अच्छा कॉलेज मिलता है आप एडमिशन लो, ठीक है, ज़्यादा ना सोचो आप। हाँ देखो, अगर ड्रॉपर ना हो तो एक ड्रॉप आप डेफिनेटली लो, ड्रॉप लेने से फ़ायदा ही हुआ है, नुकसान ना होता। तो अगर आप ड्रॉपर ना हो तो आप डेफिनेटली ड्रॉप लो। अगर आप ड्रॉपर हो और रैंक जो है 1 लाख एवर है, तो आप एडमिशन लो। कॉलेज में जाने के बाद ना वहाँ भी कंपटीशन है, लेकिन वहाँ अच्छा वही करता है जो ड्रॉप ले रखा होता है। वहाँ जाके देखोगे कि आदमी 2 साल 3 साल का ड्रॉपर है सब। बट मेरा कहना है कि ये अच्छी बात ना है 2 साल 3 साल 3 ड्रॉप, क्योंकि वहाँ जाने के बाद जब आपका एग्ज़ाम आता है ना सेशनल या सेमेस्टर का, जब फॉर्म भरा जाए तो वहाँ पे देखा जाए कि भाई आपका गैपिंग कितना है, तो थोड़ा अच्छा ना लगता है कि 3 गैपिंग हो 4 गैपिंग हो, तो अच्छा ना लगता है। देखो क्या होता है ना कि आप एक ही ड्रॉप में ना अपने स्किल फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ में अपना स्किल डेवलप कर लेते हो, ठीक है, डेट इज़ एनफ, 1 ड्रॉप इज़ एनफ। तो अच्छा आप बताओ, आपके मन में ये चलता है कि IIT में जाके आदमी फूट देगा, या फिर NIT में जाके आदमी फूट देगा, या फिर IIIT में जाके आदमी फूट देगा। भाई यहाँ पे ये जितने दिख रहे हैं ना आपको, फिजिक्स वाला अमन दत्तवाल, कल्पित बिरबल, अरविंद अरोड़ा, सचिन, राणा खान सर, ये सब के सब IIT ना है, बट ये हर कोई फूट रखा है भाई। इतना सक्सेसफुल आप बेटर जानते हो, फिजिक्स वाला के बारे में आप बेटर जानते हो, अमन दत्तवाल के बारे में आप बेटर जानते हो, हाँ कल्पित बिरबल ये IITian है, बट ऐसी ना है कि अमन दत्तवाल इनसे कम है, ऐसी बात ना है, ठीक है। यहाँ पे जितने दिख रहे हैं ना सब के सब भाई, इनका लेवल कुछ और ही है। इन्होंने प्लेसमेंट ना लिया भाई, लेकिन अभी इनकी ताकत इतना है, इनकी औकात इतना है कि ये बड़ी से बड़ी चीज़ को खरीद सकते हैं, बट इन्होंने प्लेसमेंट ना लिया, अच्छे अच्छे पैकेज को इन्होंने ठुकरा दिया। तो आप उसी पैकेज के बारे में पढ़े रहते हो जो अभी एडमिशन लेने वाले हैं प्राइवेट कॉलेज में, जो आप एडमिशन लेने को सोच रहे हो। तो यार आप स्किल डेवलप करने को ना सोचते हो, सबसे पहले पैकेज सोच लेते हो। तो भाई ऐसे यहाँ तक कि एक जो टॉपर होता है ना, वो ये ना सोचता है कि मैंने टॉप करना है, बट आप पहले ही पैकेज सोच लेते हो। तो ये चीज़ पे ध्यान दो, ठीक है। आप कॉलेज में जाओ, स्किल डेवलप करो, अपने आप को इम्प्रूव करो, ठीक है। उसके बाद तो भाई कॉलेज तो आपको डिग्री देता है, स्किल तो आपको खुद लानी पड़ती है, ये चीज़ मैटर करता है। कॉलेज मैटर करता है प्लेसमेंट के लिए, बट सक्सेसफुल होने के लिए कॉलेज मैटर ना करता है। देखो फिजिक्स वाला का कॉलेज HBTU, IIT है भाई, IIT तो है ना, अमन दत्तवाल IIT NSUT, हाँ ये अच्छा कॉलेज है, बट IIT ना है। ये दिल्ली की बेस्ट कॉलेज में कॉलेज है, बट IIT ना है।
बट अमन अग्रवाल से किसी को कंपेयर करना पॉसिबल ना है। वैसे इसमें किसी के साथ भी आप कंपेयर करना पॉसिबल ना है, क्योंकि ये सब बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल हैं। बट सबके सब IITian ना है, सबके सब NITian ना है। तो ये मैं अजी ये खान सर को ही देख लो आप, BSc MSc। बट इनके लेवल लेवल क्या है, कोई बहुत ज़्यादा। तो मेरा यही कहना, जैसे अरविंद अरोड़ा सर, SKIT जयपुर, इन्होंने BE कर रखा है, सिर्फ ओनली BE। बट अरविंद अरोड़ा सर इतना कोई सक्सेसफुल है? इनका एक चैनल है, था यूट्यूब पे, है भी, नीट मेड इजी, उन्होंने उस पर केमिस्ट्री पे डना स्टार्ट किया था। आज उनका जो है भाई, कहाँ से कहाँ पहुँच गए। आप सब तो मुझसे बेटर जानते हो। तो यही कहना है कि ये सब के सब IITian नहीं हैं, बट सब ने फोड़ा है भाई। जिस जो भी स्टूडेंट है, जो एडमिशन ले रहे हैं ना, जिनके अंदर में ही होता है ना कुछ करने की, अंदर से ही कुछ करने की जुनून होता है ना, वो लाइफ में डेफिनेटली ऐसे ही बनते हैं, ऐसे ही बनते हैं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।